बोलते हुए बोलते बोलते हुए हरीश बोलते हुए आवा मान का जाति प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो मान का जाति प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो मान का जाति प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो मान का जाति प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो मान का जाति प्रमाण पत्र जारी करो प्रमाण पत्र जारी करो जारी करो जारी करो हनुमान श्री राम चले हाँ चले अरे ये लोग प्रेरित करते हैं पत्रकार साहब लोग आप लोग साथ लेने जरूर चलिए यहाँ नहीं करना है चलिए वहाँ रिश्व वो नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है इधर देखा पहले इधर देखिए इधर मेरा नाम हरीश मिश्रा है। मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का यूजन सभा का जिला अध्यक्ष। क्या आज आप लोगों ने आज हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले जो है योगी आदित्यनाथ जी ने एक सभा में जनसभा में हनुमान जी को दलित जाति से ताल्लुकात करते हुए बताया। आज हम लोगों ने उसी बात को उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय पर बाकायदा उनका फार्म भरा है जाति प्रमाण पत्र का और जाति दलित जाति का आवेदन किया है कि हनुमान जी को जल्द से जल्द दलित जाति का प्रमाण पत्र मिला। क्यों आखिर दलित जाति प्रमाण पत्र? देखिए एक बात बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से देवी देवताओं को राजनीति में घसीटा जाता है। जिस तरीके से श्री राम को घसीटा गया, अब श्री राम के बाद अब हनुमान जी को घसीटा जा रहा है। हमारी ये विरोध है और विरोध स्वरूप ही हम लोगों ने जिलाधिकारी के सामने यह आवेदन किया है और जल्द से जल्द यह अगर आवेदन नहीं होता है तो हनुमान जी के स्वरूप में डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे हनुमान जी खुद धरने पर बैठेंगे और अपनी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।